गाइस, हम काफी बार अपने डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को अक्सर बोला करते हैं। हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। जैसे कि एक बात बोलू, प्यार के चक्कर में मत पड़ो। एक बात बोलू, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक बात बोलू, वो आपसे झूठ बोल रही है। एक बात बोलू, मोबाइल चलाना बंद कर दो। एक बात बोलू, खाना खाते समय बात मत करो। एक बात बोलू, कुछ भी असंभव नहीं है। एक बात बोलू, बुरा मत मानना। एक बात बोलू, तुम्हें वहां जाना चाहिए। एक बात बोलू, तुम बहुत कमीने हो। एक बात बोलू, वह बहुत अच्छा लड़का है। एक बात बोलू, आप बहुत काम चोर है। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग काफी बार अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास में जानते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, सीखते हैं। अभी जस्ट आपने इन सारे सेंटेंस को सुने हैं तो एक चीज आपने जरूर नोटिस किए होंगे, एक चीज कॉमन आया हुआ है जो कि है एक बात बोलू। एक बात बोलू, ये क्या है, सारे सेंटेंस में कॉमन है। तो एक बात बोलू को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पहले जानेंगे, देन उसके बाद स्ट्रक्चर को जानेंगे, फिर इन सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, ओके, और बनाना भी सीखेंगे, ओके। एक बात बोलू को हम इंग्लिश में कहते हैं डू आई से वन थिंग। डू आई से वन थिंग, जब भी आपको बोलना हो एक बात बोलू तो आप क्या बोलेंगे, डू आई से वन थिंग, डू आई से वन थिंग। तो इस फ्रेज को आप याद रखिएगा गाइज। तो चलिए गाइज, बिना देरी करते हुए सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। तो चलिए गाइज, एक स्ट्रक्चर को पहले सीखते हैं क्योंकि मेन तो होता है स्ट्रक्चर। तो एक बात बोलू कि इंग्लिश पहले लेना है, डू आई से वन थिंग, देन आपको कंप्लीट सेंटेंस लेना है। टेंस से भी हो सकता है, मॉडल्स भी हो सकता है, या नॉर्मल सेंटेंस भी हो सकता है, ओके। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेंटेंस को फटाफट बनाना सीखते हैं। एक बात बोलू, प्यार के चक्कर में मत पड़ो। तो एक बात बोलू कि इंग्लिश पढ़े लेना है, डू आई से वन थिंग, प्यार के चक्कर में मत पड़ो, डोंट फॉल इन लव। लव, डू आई से वन थिंग, डोंट फॉल इन लव। डू आई से वन थिंग, डोंट फॉल इन लव। एक बात बोलू, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। डू आई सी वन थिंग, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज, ऑन योर स्टडीज। डू आई से वन थिंग, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। डू आई से वन थिंग, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। गाइज, यहाँ पे कंसंट्रेट के जगह पे आप फोकस का भी यूज कर सकते हैं, पे अटेंशन का भी यूज कर सकते हैं, ओके। क्या चीज का यूज कर सकते हैं, फोकस, फोकस का भी यूज कर सकते हैं और पे अटेंशन का भी यूज कर सकते हैं। पे अटेंशन, पे अटेंशन, स्पेस नहीं है गाइज यहां पे। यदि आप फोकस का यूज करना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, डू आई से वन थिंग, फोकस ऑन योर स्टडीज।
यदि गाइज आप पे अटेंशन का यूज करना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? डू आई से वन थिंग, पे अटेंशन ऑन योर स्टडीज। आपको जो वर्ड इजी लगे उस वर्ड को आप यूज कर लीजिए गाइज। कंसंट्रेट का भी यूज कर सकते हैं, फोकस का भी यूज कर सकते हैं, पे अटेंशन का भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एक बात बोलू वो आपसे झूठ बोल रही है। डू आई से वन थिंग, वो आपसे झूठ बोल रही है। सी इज टेलिंग अ लाई टू यू। डू आई से वन थिंग, सी इज टेलिंग अ लाई टू यू। डू आई से वन थिंग, सी इज टेलिंग अ लाई टू यू। तो गाइज आज का स्ट्रक्चर और सेंटेंस आप सभी को कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऐसे ही मेरे साथ साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आई होप कि बने रहेंगे। एक बात बोलू मोबाइल चलाना बंद कर दो। डू आई से वन थिंग, मोबाइल चलाना बंद कर दो। स्टॉप यूजिंग मोबाइल। डू आई से वन थिंग, स्टॉप यूजिंग मोबाइल। डू आई से वन थिंग, स्टॉप यूजिंग मोबाइल। एक बात बोलू खाना खाते समय बात मत करो। डू आई से वन थिंग, खाना खाते समय बात मत करो। डोंट टॉक, डोंट टॉक व्हाइल हैविंग फूड। डू आई से वन थिंग, डोंट टॉक व्हाइल हैविंग फूड। डू आई से वन थिंग, डोंट टॉक व्हाइल हैविंग फूड। गाइज यहाँ पे हैविंग के बदले में ईटिंग का भी यूज कर सकते हैं, हैविंग का भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्या चीज का? ईटिंग का। आपको जो इजी लगे उस वर्ड को आप यूज कर लीजिएगा। यदि आप ईटिंग बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? डू आई से वन थिंग, डोंट टॉक व्हाइल ईटिंग फूड। एक बात बोलू कुछ भी असंभव नहीं है। डू आई से वन थिंग, कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। डू आई से वन थिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। डू आई से वन थिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बात बोलू बुरा मत मानना। डू आई से वन थिंग, बुरा मत मानना। प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। डू आई से वन थिंग, प्लीज डोंट माइंड। डू आई से वन थिंग, प्लीज डोंट माइंड। एक बात बोलू तुम्हें वहां जाना चाहिए। डू आई से वन थिंग, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड गो देयर। डू आई से वन थिंग, यू शुड गो देयर। डू आई से वन थिंग, यू शुड गो देयर। एक बात बोलू तुम बहुत कमीने हो।
डू आई से वन थिंग, तुम बहुत कमीने हो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू आर सच अ बास्टर्ड। डू आई से वन थिंग, यू आर सच अ बास्टर्ड। डू आई से वन थिंग, यू आर सच अ बास्टर्ड। नाउ गाइज योर टर्न, अब आपकी बारी है। मैं आप सभी को दो होमवर्क दे रही हूँ, जिसको आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। फर्स्ट वन, एक बात बोलू, वह बहुत अच्छा लड़का है। एंड नेक्स्ट वन, एक बात बोलू, आप बहुत काम चोर है। गाइज दीज टू सेंटेंसेस आर फॉर यू, सो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। गाइज तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो ऑल वाले घंटी का निशान दिख रहा है, प्लीज उससे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।